हेलो एंड वेलकम बैक दिस फैमिली एंड अ वेरी वार्म एंड हैप्पी दीपावली। इस त्यौहार के अवसर पर हमने भी सोचा कि एक फेस्टिव रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, और आपको पता ही है यार कि इंडिया का बिगेस्ट फेस्टिवल क्या है, दीपावली। इस पॉइंट पे यार आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि आपको अपनी दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें क्या पहनना चाहिए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन के बाद दीपावली सेम नहीं रही। बट वेट गाइस, ये रही वो वीडियो जो आपको आपका सोल्यूशन देगी। इस वीडियो में हम तीन चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहला होगा क्लोथिंग एंड आउटफिट्स दैट यू शुड वेयर दिस दिवाली टू लुक कूल एंड सेक्सी। नंबर सेकंड इज टिप्स टू मेक अ दिवाली बेटर, एंड थर्ड आर डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस दीपावली। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू द मेन सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग अपने पहले आउटफिट से जो हम इस दिवाली पे पहन सकते हैं। पहला आउटफिट है वाइट कुर्ता पजामा और वाइट कुर्ता धोती विद अ कलरफुल चुन्नी एंड जूती। गाइज, ये आउटफिट बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता मिलता है, एंड आप इसे इवन डांडिया नाइट से पहन सकते हो। जैसा आपको अभी फोटोज़ में दिख रहा है, ये वाला आउटफिट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, इसका प्राइस मेंशन है यहाँ पे। एंड गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस आउटफिट, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट आउटफिट जो कि इस दिवाली पे आप ट्राई कर सकते हो वो है प्रिंटेड ओकेजन शर्ट विद अ फॉर्मल पैंट और चिनोस एंड अ फॉर्मल शूज। गाइस देखो, ये आउटफिट सब नहीं रॉक कर पाते जैसे हमने अपनी पिछली शॉर्ट में भी बताया था, बट हाँ अगर आपको ट्राई करना है तो बहुत अच्छा लग सकता है इफ़ यू कैन रॉक इट नाइसली, क्योंकि हमने भी पहना था, एज यू कैन सी इन द फोटोज हमने इसे पहना था एंड हम पे ये अच्छा ही लगा था यार। तो इसका प्राइस एज बिलो मेंशनड है, बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्ट करता है, बट हाँ यू कैन ट्राई दिस वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट। तो गाइज, अब आ गए हम थर्ड वाले पे जो कि बेस्ट आउटफिट है, जो कि बहुत क्लासी लगता है अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो। ये आउटफिट है नेहरू जैकेट विद अ फॉर्मल शर्ट, नीचे चिनोज एंड उसके नीचे फॉर्मल शूज अच्छे वाले या इवन लोफर्स। गाइज देखो, ये वाला आउटफिट बेस्ट रहेगा एज आपको फोटोज में दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज अ लिटिल बिट कॉस्टलियर। एंड हाँ गाइज, ये आउटफिट लोग वेडिंग में भी पहनते, तो अगर आपको लग रहा है आपके यहाँ किसी की शादी वादी आने वाली है अब, तो गो फॉर दिस वन। और यू कैन ऑल्सो चेक आर वीडियो जिसपे 20K व्यूज हो गए हैं, और वो स्पेसिफिकली वेडिंग के लिए। आई बटन में आ रहा होगा और यहाँ पे थंबनेल भी शो कर रहा होगा आपको, तो जाओ उस पर क्लिक करो अगर किसी की भी शादी आ रही है, जल्दी से जाओ यार। इसका प्राइस बिलो मेंशनड है इस वाले आउटफिट का। एंड बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले आउटफिट। आउटफिट नंबर फोर, कोई वाइब्रेंट कलर कुर्ता विद अ धोती या फिर पजामा एंड कलरफुल कोल्हापुरी चप्पल। कलरफुल ना भी हो कोल्हापुरी चप्पल तो भी चलेगी, बट ये तीनों चीज़ें होना जरूरी है एज यू कैन अगेन सी इन द फोटोज। ठीक है, इसका प्राइस मेंशन बिलो है। एंड हाँ यार, अगर सीरियसली किसी की अभी शादी आ रही ना, तो इस वीडियो के एंड में जाना, एंड स्क्रीन पे हमारा वेडिंग आउटफिट्स वाला वीडियो आएगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, कहते हुए अच्छा लग रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज रिलेट टू वेडिंग इन इंडिया, तो एंड में जाके आप उसे चेक कर सकते हो। एंड बढ़ते हैं हम फिफ्थ वाले पे। अब गाइस, जो फिफ्थ वाला है वो पता है क्या आउटफिट है, वो ये आउटफिट है जो आप हमें बताओगे। जाओ भी कमेंट्स में एंड वो आउटफिट बताओ जो आप लास्ट दिवाली या लास्ट दिवाली किसी भी दिवाली में पहनते आ रहे हो, वो जाओ एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। एंड हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट सेक्शन में जाने से पहले, एंड हमारे चैनल पे जो भी वीडियोज है ना देख लो। एंड बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन में। एंड नाउ वी आर ऑन द सेक्शन इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू टिप्स टू मेक अ दिवाली द बेस्ट। सो नंबर वन इज डोंट यूज अ फोन एट होम, गो आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। यार ये टाइम वो है जहाँ पे आप उनके साथ कनेक्ट करोगे, चिल करोगे, बाहर घूमने जाओगे, खाओगे पियोगे, टेम्पल्स में जाओगे यार। एंड ऑल्सो यहाँ पे कनेक्ट करने का टाइम है, तो आप फोन से कनेक्ट मत करो, ऑनलाइन आपने बहुत कनेक्ट कर लिया है भाई लॉकडाउन में, बाहर जाओ, घूमो फिरो, चिल करो उनके साथ ऑफलाइन। नाउ नंबर सेकंड इज कॉल योर फ्रेंड्स होम एंड प्ले कार्ड गेम्स। आपको पता है यार, दीपावली में यार कार्ड गेम्स खेलना बहुत फेमस चीज़ है और एक रिचुअल भी है, बड़े लोग करते हैं, अब हम भी यार उतने बड़े हो गए कि कार्ड गेम खेल सकते हैं। डोंट बेट ऑन इट, जस्ट प्ले विद देम एंड कनेक्ट एंड एंजॉय। नाउ नंबर थर्ड इज डेकोरेट योर होम एंड लिट इट अप, आई मीन मेक इट लुक लिट। सो द थिंग इज कि आपको दीपावली में पता है दिया और लाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए, तो वो करना क्योंकि इट गिव्स यू बेटर वाइब्स टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। नंबर फोर्थ इज शॉप न्यू क्लोथ्स। आपको पता है कि हमने आउटफिट्स वाले पॉइंट में अब जो आउटफिट्स बताए हैं, अगर आपको अच्छे लगे उनमें से कोई भी तो उनको खरीद लो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टोर्स पे, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड बाय इट आउट। नंबर फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स विद योर रिलेटिव्स एंड द नीडी वन। अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी को खुश कर सकते हो कुछ मीठा खिला के, तो कर दो यार। अपने रिलेटिव में तो आप शेयर करते हैं, मैं कहूँगा कि जो आपके आसपास कुछ गरीब लोग होते हैं उनको भी कुछ दे देना, दे विल बी हैप्पी, इट विल मेक देयर दीपावली बेटर। एंड ऑल्सो आई नोटिस वन पॉइंट ऑन सोशल मीडिया, यू शुड बाय द दियाज एंड ऑल फ्रॉम द स्मॉल वेंडर्स जो आपके घर के आसपास बैठे रहते हैं। सो गाइज, नाउ वी आर इन द डूज एंड डोंट सेक्शन ऑफ द आउटफिट्स मोस्टली। देखो, आपने पहले सेक्शन में देख लिया आपको कौन से कपड़े खरीदने हैं। अब मैं मान लेता हूँ आप कपड़े खरीदने के, आप कपड़े ले आए, आपने ये भी तरीका है सोच लिया कि आप क्या करने वाले हो इस दिवाली पे, ऐसे कार्ड्स खेलने वाले हो, भाई कुछ गलतियाँ कर सकते हो आप दिवाली पे बाहर जाने से पहले, तो वो मत करना। सबसे पहली चीज़ गाइज, प्लीज़
जब भी दिवाली को किसी आउटफिट के साथ पहनो तो उसमें स्पोर्ट्स वॉच या कोई डिफरेंट वॉच मत पहनना, स्मार्ट बैंड पहन के मत जाना, ओनली लेदर या मेटल वॉचेस, ये बहुत क्लासी लगती हैं। अगर नहीं है तो जाके हमारा वॉचेस वाला वीडियो देखो, उसमें हमने वॉचेस बता रखी हैं एंड वो लो, ठीक है, वॉचेस ओनली लेदर एंड मेटल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे गाइस, एक और फैशन मिस्टेक जो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा होता है दिवाली में, वो ये है कि डीप कट्स एंड डीप नेक्स बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं। आप फोटोज़ में देख सकते हो यार, ऐसे टाइप के कपड़े आपको दिवाली पे नहीं पहनने, ये कोई फैशन शो नहीं है, दिस इज बेसिकली दिवाली, तो प्लीज़ इसे मत पहनना। थर्ड वाला है गाइस, प्लीज़ डोंट बी द रणवीर सिंह ऑफ दिस दिवाली, मतलब फैशन में अच्छे रहो बट टू शाइनी क्लोथ्स मत पहनो, ऐसा ना हो कि कोई आपको फुलझड़ी समझ के जला दे, तो ऐसे टाइप के क्लोथ्स प्लीज मत पहनना, टू शाइनी वाले। ओके गाइस, ये पॉइंट ऐसा है जिसपे हम एज वाले इतनी बार बता चुके हैं, बल्कि मैंने अपना सर भी इस पे 100 बार पकड़ा है हर वीडियो में, कि गाइस प्लीज शादी या दिवाली में स्पोर्ट्स शूज मत पहनना, ठीक है, सिर्फ फॉर्मल या एथनिक, दिवाली में तो एथनिक भी पहन सकते हो और फॉर्मल भी, स्पोर्ट्स शूज मत पहनना, ठीक है। गाइस एक और काम मत करना, सैंडल मत पहनना, मैंने पहन लिए थे, गलती कर दी थी मैंने, हाँ मतलब कैजुअल सैंडल बेसिकली। एंड गाइस फाइनली फिफ्थ पॉइंट ये है, इस दिवाली में भाई किसी ना किसी के घर पे एक क्रैकर जरूर फेंक के आना, मजाक कर रहा हूँ गाइस, वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें क्रैकर्स फोड़ने हैं नहीं फोड़ने हैं, दैट्स ऑल अप टू यू, बट हाँ इस दिवाली को इंजॉय करो, जो तीनों चीजें हमने बताई ये फॉलो करो एंड मेक योर दिवाली द बेस्ट वन। मेरी तरफ से इतना ही था, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। That's all we can advise you this Deepavali यार भाई लोग, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो अपने थॉट्स, हैप्पी दिवाली विश कर दो हमें अगर करना चाहते हो तो, हमारे इंस्टाग्राम ये रहे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो कमेंट डाउन कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। Okay, bro, go. Welcome back, Shannon. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.